फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। ये जो पूरा मनी ट्रेल है ये आम आदमी पार्टी तक जाता है। इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके अंदर ईडी कहीं ना कहीं से ले आएंगे ताकि पहले गिरफ्तार करें बाद में मुकदमा हो। कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। लोकसभा चुनाव से एन पहले संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी ने बेशक राहत की सांस ली होगी। यूं तो संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को ही जमानत मिल गई थी, मगर आज दिन भर उनके मेडिकल जांच और कागजी कार्रवाई में निकल गया। संजय सिंह को दोपहर 1 बजे के करीब अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जांच के बाद दोपहर 2 बजे उन्हें वापस तिहाड़ जेल पहुंचाया गया। इस बीच दोपहर 2:15 बजे संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर भी जारी हो गया। बहुत बहुत खुशी है, हम सबको बहुत खुशी है। बस अब बाकी जो साथी हैं पापा के, वो लोग भी जल्दी बाहर आ जाए तो हम इस चीज का जश्न मना पाएंगे। अभी उनकी ही बेल की उम्मीद में बैठे हुए हैं। जिस तरीके से पापा को न्याय मिला वैसे उन्हें भी बस जल्दी न्याय मिल जाए। किया जा रहा था कि आप संजय सिंह से निकाल दिया गया, अब बेल ऑर्डर मिलने के बाद से उनको तिहाड़ से भेजा जाएगा, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया? जी, अभी बेल ऑर्डर लेके तिहाड़ जेल जाएंगे। वहाँ पेपर वर्क प्रोसीजर होगा, उसके बाद फिर उनको बेल मिलेगी और फिर वो बाहर आएंगे। शाम के 6-7 बज सकते हैं। आपके पिता हैं राज्यसभा में, इतने चर्चित सांसद हैं, इतने बोल्ड तरीके से अपना वक्तव्य रखते हैं, एक बेटी होने के तौर पर आप कैसे इन 6 महीनों को याद करती हैं, उनसे दूरी को कैसे याद करती हैं? बहुत 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 मुश्किल था वो वक्त। संजय सिंह को जमानत जरूर मिल गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, जब जरूरत होगी वो जांच में सहयोग करेंगे, इस केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और दिल्ली से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को बताना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को 1,00,000 रुपए के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि की सिक्योरिटी पर रिहाई का आदेश दिया है। आज ट्रायल कोर्ट ने बेल की कंडीशंस जो है वो क्रिस्टलाइज किया, तो उसमें जो कंडीशंस हैं वो सबसे पहले तो 2,00,000 रुपीज का श्योरिटी जो है, अमाउंट ऑफ 1 श्योरिटी वो निर्धारित किया है। दूसरा, उनके पासपोर्ट को कोर्ट ने कहा है कि आप इनको कोर्ट में डिपॉजिट करेंगे और कंट्री आप लीव नहीं करेंगे, मतलब देश छोड़ के नहीं जाएंगे। इससे पहले संजय सिंह की बेल को लेकर दिन भर सियासी वार पलटवार भी चलता रहा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच में ईडी को कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा कोर्ट पर सवाल उठाती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है, आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए, ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। देश का न्यायालय सर्वोत्तम है और देश का न्यायालय स्वतंत्र है, लेकिन दुर्भाग्य है आम आदमी के पार्टी के नेता जब तो उनको सूट करता है तब तो न्यायालय के निर्णय का स्वागत भी करते हैं, ढोल भी बजाते हैं और मिठाई भी बांटते हैं और बाद में उसको क्रिटिसाइज करते हैं। संजय सिंह को बेल मिलने पर इंडिया गठबंधन में उनके साथ खड़ी कांग्रेस भी बीजेपी पर वार करने से नहीं चुक रही है। हालांकि बीजेपी बार बार कह रही है कि ये नॉर्मल बेल है, संजय सिंह पर आरोप खत्म नहीं हुए। जब बेल मिली है रूटीन ऑर्डिनरी साधारण बेल ईडी के अपोज न करने पर, तब लोकतंत्र बहाल हो चुका है, जुडिशियरी फ्री एंड फेयर है, वरना कल तक जुडिशियरी पर सवाल, कल तक इलेक्शन कमीशन पर सवाल, कल तक संविधानिक संस्थाओं के खिलाफ सवाल। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं, मैं इतने कहूंगा सत्य में ये जीते। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जी के खिलाफ भी, हमें तत्काल हाई कोर्ट को इस पर जमानत दे देनी चाहिए। दरअसल ये तमाम सियासी वार पलटवार आने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियों को पता है कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार में थोड़ी जान तो जरूर आ जाएगी। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी को सीएम अरविंद केजरीवाल की अग्रिम जमानत की उम्मीद से भी राहत मिलती दिख रही है। शराब घोटाला मामले में पिछले 12 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी के विरोध में कोर्ट में दलील दी गई कि गिरफ्तारी की टाइमिंग से ईडी की मंशा पर सवाल उठते हैं। पहला समन अक्टूबर में मिला जबकि गिरफ्तारी मार्च में हुई। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं है। बिना किसी बयान दर्ज किए गिरफ्तारी क्यों की गई? चुनाव में सभी पार्टियों को बराबरी का मौका मिले, ऐसी सूरत में निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव है? चुनाव से पहले गिरफ्तारी पर पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। कल कोर्ट के सामने ये बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया, अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई, 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। इस बीच आम आदमी पार्टी बीजेपी पर शराब घोटाले के बहाने ईडी के दुरुपयोग से लेकर उनके नेताओं को तोड़ने और खरीदने जैसे आरोप भी लगा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। मगर कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजधानी की ये सियासी गर्मी अगले 2 महीने तक चलने वाले मतदान से पहले कम नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।